जो जा रहे हैं उनको अवसरवादिता। नवाब साहब बताइए, जवाब दीजिए फटाफट संक्षेप में। नवाब मलिक साहब, मैंने देखिए ऐसा है, शर्मा जी सुन लें कि पवार साहब ने 1999 में जो CWC की मीटिंग थी उसमें कहा कि विदेशी मूल का मुद्दा अगले चुनाव में होने वाला है, उसका जवाब हम कैसे देंगे, जिसको लेके कांग्रेस के कुछ लोगों ने पवार साहब को पार्टी से निकाल दिया, अलग दल हमने बनाया, ये बात सच है। लेकिन तुरंत 2 महीने के भीतर जब नतीजा आया, हमारे पास 2 विकल्प थे, या हम बीजेपी शिवसेना के साथ जाके सरकार बना लेते, केंद्र की सरकार में शामिल हो जाते। लेकिन हमने भले उनसे विवाद था, लेकिन उसी वक्त हमने निर्णय लेकर कांग्रेस के साथ 1999 में ही हमने सरकार बना ली। हमने कोई 180 डिग्री का यू टर्न नहीं मारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग आपके साथ आ रहे हैं उनकी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। जहां तक अवस्थी साहब बोल रहे थे कि कल तक जो नेता इनकी पार्टी में थे इन्होंने क्यों नहीं निकाला, मैं अवस्थी साहब आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं पर आरोप लगा रही थी, और कोई आरोप नहीं लगा रहा था। भारतीय जनता पार्टी चाहे मुकुल राय जी हो उन पर आरोप लगा रही थी, भारतीय जनता पार्टी नारायण राणे जी पे आरोप लगा रही थी, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे महाराष्ट्र के नेताओं पर आरोप लगा रही थी। जिन पर आप आरोप लगा रहे थे उन्हीं को जब आप अपनी पार्टी में लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं गंगोत्री अपने आप को समझ रहे हैं। वही इस डिबेट के अंदर सवाल भी पूछा गया है। जी अवनिजेश जी के पास ही मैं चलता हूं।